अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौविसाहुनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 118 गाथा चली थी कल और इसमें ये विषय चला था कि यह निर्णय करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव किस कारण से होता है। टीका की चर्चा हो गई थी, आज भावार्थ पर अपन को चर्चा करनी है। देखिए बहुत अच्छा भावार्थ है, मनुष्यादि पर्यायों में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को न तो हंता है न आच्छादित करता है, परंतु वहां जीव स्वयं ही अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है। देखो कितनी स्पष्ट और बहुत स्पष्ट बात है, मनुष्यादि पर्यायों में कर्म जो है वो कहीं जीव के स्वभाव को हनन नहीं करता, एक पॉइंट, और न आच्छादित करता है। तो होता क्या है फिर कि जीव स्वयं ही वहां जीव स्वयं ही अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है। इसके लिए समय सार में एक शब्द का प्रयोग किया है, उपयोग भूमि में रागादि को लाता है। उपयोग भूमि में मैंने करता क्या है ये जीव कि कर्म के अनुसार स्वयं परिणमन करता है। कर्म तो कर्म के उदय के अनुसार आए, उदय में आए कर्म तो उदय में आए, कर्म का तो उदय आया। अब उस उदय के काल में उस उदय का लक्ष्य करके विकार करे या अपने स्वभाव का लक्ष्य करके निर्विकार परिणति करे, ये जीव के हाथ की बात है। कर्म का उदय जीव को जीव का दोष है। कर्म जीव को विकार करने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो तो उदय आया है। देखो इसका एक समय सार में थोड़ा सा लिया है, जरा देखते हैं। समय सार निकालता हूं, समय सार में इसमें है एक एक मिनट है। समय सार की शायद 87 गाथा कुछ ऐसी है, है? ये देखो इसमें है,
तो अभी नहीं मिल रहा है, चलो अभी वही चलने दो। इसमें जो अपना जो विषय चल रहा है इसमें यह है, उसमें समय सार में ऐसा लिखा है, क्या होता है कर्म का उदय आता है, तो कर्म के उदय का विपाक जीव की ज्ञान पर्याय की स्वच्छता में झलकता है। ठीक है, तो जब जीव की ज्ञान पर्याय की स्वच्छता में वो विपाक झलकता है तो वहां भेद विज्ञान के अभाव के कारण जीव अपने को उस रूप ही अनुभव करता है, और जब उस रूप अनुभव करता है तो वहां पर नया विकार का वो उत्पाद करता है। लेकिन जिस समय कर्म का उदय है उसी समय जीव यदि अपने स्वभाव का अवलंबन ले, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले तो कर्म का उदय हटेगा और कर्म का उदय हटने के बाद जीव अपने स्वभाव का अवलंबन लेगा, ये तो कभी व्यवस्था होनी नहीं है। कर्म का उदय तो सदैव विद्यमान रहना है, और कर्म के उदय का लक्ष्य छोड़कर उसी समय स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो विकार नहीं करेगा, और कर्म के उदय का लक्ष्य करेगा तो नया विकार पैदा होगा, है ना। तो उसमें जो प्रवचन सार में, इसी प्रवचन सार में देखो 45 नंबर की गाथा में ये लिया है, थोड़ा विषय अच्छा सा लिया है, एक मिनट निकालता हूं। पैतालीस गाथा निकाल लो, पैतालीस नंबर में जय सेनाचार्य देव की टीका है, और ये बात आचार्य जयसेन ने प्रवचन सार में भी ली है और समय सार में भी ली है और पंचास्ती काय में भी ली है, लेकिन अभी प्रवचन सार अपना चल रहा है तो प्रवचन सार की पहली गाथा पे, यह 45 नंबर की गाथा, ये पेज नंबर निकालो आप, इसमें जो अभी अपने पास प्रवचन सार है ना इसमें 76 नंबर का पेज निकालो, 76 नंबर का पेज निकालो, इसमें जय सेनाचार्य की टीका है बीच में, है ना, उसमें देखो यहां पे बीच में जय सेनाचार्य की टीका में चौथी लाइन देखो, शिष्य प्रश्न करता है, अथा अत्राह शिष्य औदयिका भावा बंद कारणम इत्यागम वचनम तरही वथा भवती, अगर अगर आप ऐसा कहोगे तो औदयिक भाव बंद के कारण है ये वचन मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे, तो परिहार माह औदयिका भावा बंद कारणम भवंती, औदयिक भाव बंद के कारण होते हैं, औदयिक भावा बंद कारणम भवंती परम किंतु मोहोदया मोहोदय सहिता, औदयिक भाव बंद के कारण तो होते हैं लेकिन कब, कि मोह के मोहोदय सहिता, मोह के उदय के साथ हो तो बंद के कारण होते हैं, नहीं तो केवली भगवान को भी बंद होगा ना, केवली भगवान को औदयिक भाव तो है लेकिन बंद तो नहीं होता, है ना ऐसा। फिर इसमें उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा लिया, द्रव्य मोहोदय अपि सति यदि शुद्ध भावन शुद्धात्म भावना बले न भाव मोहे न परनम्दी परनम्ती तदा बंदो न भवती। क्या कहते हैं, द्रव्य द्रव्य मोहोदयोपि, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, द्रव्य मोहोदयोपि दयेस्पि सति यदि शुद्धात्म भावना बले न, तो उस द्रव्य मोह का उदय होने पर भी शुद्धात्म भावना के बल से, शुद्धात्म भावना का मतलब क्या, विकल्प नहीं, भावना का मतलब लीनता, भावना बले न भाव मोहे न परिणमती तदा बंधो न भवती, यदि भाव मोह रूप न परिणमित हो तो बंध नहीं होता। यदि पुनः कर्मोदय मात्रेण बंधो भवती, यदि फिर से कर्मोदय के मात्र कर्म उदय के मात्र से यदि बंद होता हो तरही संसारिणाम सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात् सर्वदेव बंद एव न मोक्ष इत्याभिप्राय।
अगर ऐसा होने लगे कि कर्म के उदय मात्र से बंद हो, तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि संसारिणाम सर्वदेव कर्मोदयस्य, संसारी जीवों को तो सदैव कर्म का उदय रहता है, तो फिर उनको तो सदैव बंद होगा ही, न मोक्ष कि मोक्ष नहीं होगा फिर तो उनका, ऐसा अभिप्राय है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म का उदय तो है, लेकिन कर्म के उदय होने पर भी यदि जीव अपनी शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप प्रणमन नहीं करे तो कर्म का उदय मात्र जीव को बंद नहीं करा सकता। कर्म का उदय मात्र अगर जीव को बंद कराने लगे तो संसारी जीव के सदैव कर्म का उदय होने से निरंतर बंद होता रहेगा, उसका कभी मोक्ष होगा ही नहीं। माने जिम्मेदारी किसके ऊपर है, सीधी सी बात है कि जिम्मेदारी जीव के ऊपर है। कौन सी जिम्मेदारी कि सदा काल बंद हो या सदा काल बंद नहीं हो, माने बंद करे कि नहीं करे, ये जीव के ऊपर जिम्मेदारी है। विकार रूप प्रणमन करे कि नहीं करे, ये जीव के ऊपर जिम्मेदारी है कि जीव विकार रूप प्रणमन करेगा तो बंद करेगा और विकार रूप प्रणमन नहीं करेगा तो बंद का अभाव करेगा। इसलिए यहां पे कहा कि वहां जीव स्वयं ही अपने दोष से कर्मानुसार प्रणमन करता है, कर्म के उदय का अनुसरण करता है। कर्मानुसार का मतलब क्या है कि उदय को अनुसरण करता है, उदय का लक्ष्य करता है, लक्ष्य करता है तो उदय तो चला जाता है और नया बंद हो जाता है, कर्म क्या करेगा। इसलिए उसे अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। और सीधी सी बात है कि जब तुम कर्म की ओर झांक रहे हो तो अपना स्वभाव कैसे दिखेगा, क्या कहा, कर्म की ओर झांक रहे हो, निरंतर कर्म की ओर देख रहे हो तो कर्म की ओर देखने पर अपना स्वभाव कैसे दिखेगा। जिसकी ओर देखोगे वही तो दिखेगा, स्वभाव की ओर देखता ही नहीं, कर्म के उदय का अनुसरण करता है तो स्वभाव की ओर जब देखता ही नहीं तो विकार के अलावा क्या होने वाला है, ये कह रहे हैं यहां पे कि इसलिए उसको अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। जैसे उत्तर दिया, बहुत उदाहरण दिया कि जैसे पानी का पूर प्रदेशों की अपेक्षा से वृक्षों के रूप में परिणमित होता हुआ अपने प्रवाही रूप स्वभाव को उपलब्ध करता हुआ अनुभव में नहीं आता, अनुभव नहीं करता, उसका 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 उस स्वरूप क्या है, क्षेत्र की अपेक्षा उसका स्वरूप क्या है, प्रदेश स्वरूप क्या है कि प्रवाहीपना। अब वो प्रवाहीपने को छोड़ करके वृक्षों में चला गया तो वो नहीं करता, एक। और दूसरा कि स्वाद की अपेक्षा से वस्त्र वृक्ष रूप परिणमित होता हुआ अपने स्वादिष्ट पने रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। पानी का जो अपना स्वभाव है, वृक्ष में गया तो क्या हुआ कि पानी का अपना जो स्वभाव था वो अपना स्वभाव तो छूट गया, और जिस जिस प्रकार के वृक्ष के संयोग में गया, नीम के संयोग में गया तो कड़वा, और वो जो कल बताया था ना उदाहरण में सारा, कि उस तरह से उसका स्वरूप हो गया। उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश की अपेक्षा से स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुआ अपने अमूर्त स्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, और भाव की अपेक्षा से स्वकर्म रूप परिणमित तो होता हुआ उपराग से रहित विशुद्धि वाला पना रूप अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। दो चीजें हैं, कौन कौन सी दो चीजें, भाई अपन बस सीधी सी बात कि अपने स्वभाव को छोड़कर तुम कर्म के अनुसार परिणमन करोगे तो यह दुर्गति होगी कि जो तुम्हारा स्वभाव है, आचार्य कहते हैं कि राग रहित परिणमने का जो आत्मा का स्वभाव है तो राग रहित परिणमने का स्वभाव नहीं रहेगा पर्याय में, और विकार रूप परिणमन हुआ करेगा, उपलब्ध नहीं करेगा। इससे यह निश्चित हुआ कि मनुष्यादि पर्यायों में जीवों को अपने ही दोष से अपने स्वभाव की अनुपलब्धि है। तुम कर्म की अनुपलब्धि मत देखो, कर्म 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 तुम्हारे स्वभाव की अनुपलब्धि कराता है कि ऐसा मत देखो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कर्माधिक अन्य किसी कारण से नहीं, कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करता है ऐसा कहना तो उपचार का कथन है, परमार्थ से ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब जीव की द्रव्य रूप से
अवस्थितता होने पर भी पर्यायों से अनवस्थितता माने अनित्यता अस्थिरता प्रकाशते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, इसमें द्रव्य रूप से अवस्थितता, अवस्थितता का नीचे बहुत अच्छा अर्थ किया, स्थिरपना, ठीक रहना, कि द्रव्य अपेक्षा से जीव कैसा है, हैं? कि द्रव्य अपेक्षा से जीव स्थिर रहते हुए भी पर्यायों से क्या होती है उसकी, पर्याय अपेक्षा से क्या है, कि पर्याय अपेक्षा से उसकी अनवस्थितता है। अब देखो गाथा पढ़ लो, जाय दिने वर्णन पश्न सदि खण भंग समुभवे जने कोई, जो ही भवो सो विलो संभव विलय तिणा तेनाण, नहीं कोई उपजे वीन से क्षण भंग संभव मय जगे, कारण जन्म ते नाश छे बड़ी नाश। देखो प्रति क्षण उत्पाद और विनाश वाले, क्या कहा, प्रति क्षण उत्पाद और विनाश वाले जीव लोक में कोई उत्पन्न नहीं होता और कोई नष्ट नहीं होता। क्या 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 शब्द है, देखो कितनी विचित्र बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रति क्षण उत्पाद और विनाश वाले जीव लोक में, जीव लोक कैसा है कि प्रति क्षण उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश होता है, तो ऐसे जीव लोक में कोई उत्पन्न नहीं होता और कोई नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है, और उत्पाद तथा विनाश इस प्रकार वे अनेक अर्थात भिन्न भी है। देखो टीका में, प्रथम तो यहां न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है। क्या कहा, जन्म भी नहीं लेता और मरता भी नहीं, ठीक, अर्थात इस लोक में कोई न तो उत्पन्न होता है और कोई न नाश को प्राप्त होता है। किसका नाश और किसका उत्पाद, है ना, ये तो अवस्थाएं बदलती है, बाकी आत्मा तो अजरमर तत्व है, आज तक मरा नहीं, मरने की कहानियां तो बहुत हुई लेकिन आज तक मरा नहीं, जन्म ना आज तक जन्मा नहीं, क्योंकि शरीर संयोग की अपेक्षा से जन्म और शरीर के वियोग की अपेक्षा से मरण कहने में आता है, ठीक है ना। लेकिन आत्मा तो न जन्मता है न मरता है। तो यहां पे कहते हैं कि प्रथम तो यहां न कोई जन्म लेता है न कोई मरता है, तो इस लोक में न कोई उत्पन्न होता है न कोई नाश को प्राप्त होता है, और ऐसा होने पर भी वास्तविक स्थिति तो ऐसी है, और ये स्थिति होने पर भी कि किसी का न जन्म होता है और न किसी का मरण होता है, ऐसा होने पर भी मनुष्य देव तिर्यंच नारकात्मक जीव लोक प्रति क्षण परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्या गजब बात है कि अपने स्वभाव की ओर से देखो तो उसका न जन्म है और ना तो मरण है, और स्वभाव से जन्म मरण रहित तत्व होने पर भी पोजीशन क्या है कि स्वभाव से जन्म मरण रहित तत्व होने पर भी मनुष्य तिर्यंश देव नारकात्मक जीवलोक प्रति क्षण परिणामी, परिणामी परिणामी माने प्रति क्षण परिणाम करने वाला, परिणामी कर्ता, परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्यय की फेरनी, वस्तु एक त्रय नाम, पंडित मनारसी दास जी का क्या, कर्ता परिणामी द्रव है ना, और कर्म रूप परिणाम, और क्रिया क्या है कि क्रिया पर्यय की फेरनी, कि पूर्व पर्याय का व्यय होकर के नई पर्याय उत्पन्न हुई, इसको बोलते हैं क्रिया पर्यय की फेरनी, इसका नाम क्रिया, कि ये क्या है, ये तीन चीजें है ना। तो उन्होंने कहा कि वस्तु एक नाम तीन,
वस्तु तो एक ही, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु तो पूरी एक की एक ही है, और एक की एक ही वस्तु होने पर भी उसके नाम तीन है। अवस्था की दृष्टि से देखोगे तो उत्पाद वे दिखेगा, वस्तु की दृष्टि से देखोगे तो त्रिकाली दिखेगा, है ना, और संपूर्ण वस्तु की दृष्टि से देखोगे तो नहीं परिणमते हुए मतलब नहीं बदलते हुए भी, नहीं मरते हुए भी उत्पाद वे ये जन्म ये पर्याय बदल रही है, और पर्याय बदलते हुए भी वस्तु वो की वही है, वो की वो होने पर भी बदल रही है और बदलने पर भी वो की वही है। 116 नंबर की गाथा में बहुत सारी चर्चा आ चुकी है, अन्यत्व की और अनन्यत्व की चर्चा आ चुकी है। तो देव नारक जीव लोग प्रति क्षण परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है, कि उत्पाद के साथ होने पर भी, वे के साथ होने पर भी अपनी अक्षुण्यता रखते हुए भी उत्पाद वे करता है, और उत्पाद वे करते हुए भी अपनी अक्षुण्यता को बराबर बनाए रखे हुए है, और वह और यह विरोध को प्राप्त नहीं होता, है ना। जयेंद्र सिंह की विचित्रता, कौन माने अगर बताओ, अगर अपन अपन लोग तो उत्पाद वे द्रव्य वगैरह सब पढ़े हैं, लेकिन दुनिया में अगर ये बात किसी से कहने जाओ कि जो तुम पता है कि जो ये मरा है ना, कि ये मरा नहीं है, ख्याल में आ गया, कि जो जन्मा है ना, कि ये जन्मा नहीं है, अब दुनिया में किसी से कहने जाओ ये बात, मरा तो नहीं, हाँ, मरा नहीं, मरा नहीं है। अरे वाह साहब कैसी बात कर रहे, अरे मरा नहीं है, स्वर्गवास हो गया है, देह विलय हो गया है, देह का परिवर्तन हो गया है, मतलब अभी ये हाँ निवास हो गया ना, यहां से यहां यहां भी यहां वास करते थे, अभी वहां वास कर रहे हैं, हाँ नरक में भी कहीं भी जावे बोलेंगे तो स्वर्गवासी बोलेंगे, थोड़ी नरकवास, नरकवास थोड़ी बोलेंगे, भले जानते हैं, भले कोई कितना ही पापी से पापी आदमी मरे तो भी उसकी जो पत्री बनेगी वो तो यही बनेगी ना, कि स्वर्ग स्वर्गीय। माने देखो ये समझो इस चीज में कि जगत में पुण्य की मिठास कितनी जबरदस्त है, कि स्वर्गीय कहो तो मजा, हाँ ठीक है साहब ठीक सर स्वर्गीय, और कोई कहे कि भाई साहब जीवन भर तो ये सब कुकर्म किए हैं, काय का स्वर्गीय, लिखो इसकी पत्रिका में कि हमारे फलाने चंजी मर करके उनका नरकवास हो गया है, तो कोई मानेगा इस बात को, है ना। जगत में पुण्य की मिठास कितनी है, मनुष्य पने में भी जा सकता है कोई, लेकिन वो स्वीकार नहीं है ना। हाँ देखो, खैर यहां पर तो अपने तो ये आ गया कि उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, वह विरोध को प्राप्त नहीं होता, यह है अनेकांत। जो उत्पाद वे कर रहा है वही ध्रुव है, जो ध्रुव है वही उत्पाद वे रूप परिणमन कर रहा है, ऐसा मैंने परिणमन करते हुए भी ध्रुव है और ध्रुव रहते हुए भी उत्पाद वे रूप परिणमन हो रहा है ऐसा, क्योंकि उद्भव और विलय का एकपना और अनेकपना है। जब उद्भव और विलय का एकपना है तब पूर्व पक्ष है, अभी चर्चा आएगी इसके आगे, और जब अनेकपना है तब उत्तर पक्ष है। कौन सा, देखो खुलासा किया कि जब उत्पाद और विनाश के एकपने की अपेक्षा ली जाए तब यह पक्ष फलित तो होता है कि न तो कोई उत्पन्न होता है और न कोई नष्ट होता है, क्योंकि वही तो एक ही तो चीज है, कोई अलग कौन है, कौन उत्पन्न हुआ कौन नष्ट हुआ, अरे वो का वही तो है। और जब उत्पाद और विनाश के अनेकपने की अपेक्षा ली जाए, मैंने उत्पाद और विनाश ये दो चीजें हैं, ये विवक्षा जब तुम लेते हो तो आचार्य कहते हैं तब प्रति क्षण होने वाले विनाश और उत्पाद पक्ष फलित होता है। उत्पाद वे में अनेकता देखो और उत्पाद वे में एकता देखो, तो उत्पाद वे में एकता देखो तो किसका उत्पाद है किसका नाश, और अनेकता देखो तो उत्पाद और विनाश, यह पक्ष फलित होता है।
उत्पाद का पक्ष और उत्पाद का पक्ष फलित होता है, वह इस प्रकार है। देखो अब जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण से इनने सिद्ध किया है, ये देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे जो घड़ा है वही कुंडा है, पुराने जमाने में बनते थे ना ये सब, है ना। हाँ, ऐसा कहा जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एकपना असंभव होने से उन दोनों की आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है। किससे बना आ गया। उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है, ऐसा कहा जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एकपना असंभव होने से, उत्पाद और विनाश दोनों तो परस्पर विरुद्ध स्वभाव ही, लेकिन उन दोनों का आधारभूत द्रव्य प्रकट होता है। मतलब किसका हुआ उत्पाद वे, कि कोई ध्रुव पदार्थ था ना, उस ध्रुव पदार्थ में से किसी अवस्था का उत्पाद और किसी अवस्था का वे, तो दोनों का आधारभूत द्रव्य प्रकट होता है। इसलिए देवादि पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्याय नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है। क्या कहा, जो उत्पाद है वही विलय है, ऐसा मानने से माने इस अपेक्षा से दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है। क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, द्रव्य पदार्थ नहीं होवे तो किसका उत्पाद और किसका वे, आगे समझ। द्रव्य पदार्थ अगर नहीं होवे तो किसका उत्पाद और किसका वे, कोई पदार्थ ही नहीं है। हमने कहा कि साहब घड़ा बना, अच्छा किसमें से बना, किसका बना, अब उसका अगर हमारे पास कोई उत्तर नहीं होवे, किसका बना, कोई चीज तो होगी ना कि जिसका घड़ा बना, है ना। इस चीज का पिंड का अभाव हुआ तो पिंड किसका था, वो मतलब कोई पदार्थ तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि जो उस उत्पाद का और वे का आधारभूत हो, और उस उत्पाद और वे का आधारभूत जो पदार्थ है उस आधारभूत पदार्थ का नाम है द्रव्य, है ना। उत्पन्न हुआ देव और मनुष्य, है ना, कि देव और मनुष्य में तो देवपने का उत्पाद हुआ, मनुष्यपने का वे हुआ, लेकिन कौन था देव और कौन था मनुष्य जिसका जो मरा, तो वहां पर उसका आधारभूत जीव पदार्थ सिद्ध होगा। क्योंकि जीव पदार्थ नहीं होता तो मनुष्यपने का वे नहीं हो सकता था, क्योंकि मनुष्यपने रूप कौन था, कि जीव था। मनुष्यपने का वे करके देवपने रूप आया तो कौन आया, तो जीव आया ना, तो जीव द्रव्य प्रकट हो गया, नहीं हो आ गया, नहीं आ गया। इस ये वहां पे लेना, माने लक्ष्य में आता है। इसलिए सर्वदा द्रव्यपने से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है, माने देवपने में भी जीव था, मनुष्यपने में भी जीव था, यानी मनुष्यपने का वे हुआ तो वहां पर भी वो जीव था, और मनुष्यपने का वे होकर के अभी देवपने रूप पर्याय उत्पन्न, देवपने रूप अवस्था उत्पन्न हुई, तो देवपने में उत्पन्न होने में भी क्या हुआ, कि वहां पर जीव का अस्तित्व सिद्ध हुआ। तो ध्रुव कोई टंकोत्कीर्ण पदार्थ सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो टंकोत्कीर्ण पदार्थ ना हो तो किसका वे और किसका उत्पाद, है ना। ये तो फिर बौद्धों जैसा हो जाएगा, बौद्धों के अर्थ क्या होता है, पूरा पदार्थ ही नया उत्पन्न होता है। क्या हुआ, क्या हुआ था, कि भैया क्या हुआ कि किसी आदमी ने किसी आदमी को 1,00,000 रुपए उधार दिए और दूसरे दिन मांगने गया, वो तो मांगने जाने वाला एक है, जिससे मांगने गया उसने कहा कि भाई किसको दिए थे तुमने, जिसको दिए थे वो तो मर गया, उनके यहां तो पूरी वस्तु ही नहीं पैदा होती है, वस्तु का ही अगले समय में पूरी वस्तु ही अलग है, वो वस्तु है ही नहीं। अपने यहां ऐसा नहीं है, अपने यहां वस्तु को उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप माना है, तो उसका एक अंश मान द्रव्यता वाला अंश जो वस्तु का ध्रुव रूप है, वस्तु द्विरूप स्वभावी है, एक प्रतिक्षण बदलने वाला स्वभाव और एक उसी वस्तु का निरंतर टिकने वाला स्वभाव, और ये दोनों स्वभाव एक ही वस्तु के हैं,
तो जब हम टिकने वाले स्वभाव की ओर से देखते हैं, टिकते स्वभाव की ओर से देखते हैं तो द्रव्यता है, और जब प्रतिक्षण बदलने वाले स्वभाव की ओर से देखते हैं तो उत्पाद व्यय है, और जब हम संपूर्ण वस्तु को देखते हैं तो उत्पाद व्यय द्रव्य है। तो हमारे यहां अकेला उत्पाद नहीं है, अकेला व्यय नहीं है, अकेला द्रव्यता नहीं है, है ना। तो यह है, ये इस एंगल से आचार्य देव इस बिंदु को उठा रहे हैं, शेष चर्चा कल चलेगी।